सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जिस कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजनलाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी, ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जिससे लगभग 51 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीए सरदारपुर आए उनको वहां थाने से हटाकर एक पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिसे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया।